बाबा महाकालेश्वर के दिव्य धाम मंदिर में। और ये तस्वीरें आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को भगवान भोलेनाथ की आराधना करने पहुँचेंगे, बाबा महाकालेश्वर का पूजन अर्चन करेंगे। उससे पहले तमाम बड़े स्तर पर यहाँ तैयारियाँ जारी हैं, लेकिन उससे पहले आप दर्शन कीजिए परमपिता परमेश्वर के इस दिव्य और अद्भुत धाम के। आप दर्शन कर सकते हैं कि यहाँ बाबा महाकालेश्वर, क्योंकि ये जो समय होता है तब बाबा अपने प्राकृतिक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, और जब निराकार स्वरूप में भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं कि शाम को विशेष श्रृंगार के माध्यम से उस निराकार स्वरूप को भांग, सूखे मेवे, चंदन, कुमकुम सहित अनेक शिवप्रिय सामग्रियों माध्यम से साकार स्वरूप में स्थापित किया जाता है। और सुबह भस्म आरती से जो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू होता है वो देर रात तक जारी रहता है। और इस बीच तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और भगवान के अलग अलग जो श्रृंगार और उनके प्राकृतिक स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को उपकृत महसूस करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तस्वीरें आप लोग देखिए कि यहाँ जो अभी, चूँकि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, हालांकि उसके बाद परसों जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तब व्यवस्था के मद्देनज़र आम श्रद्धालुओं का प्रवेश उतना सहज नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर पूरी माकूल तरीके से की गई है। जो पूरे चांदी के द्वार हैं उसे यहाँ पर सुसज्जित किया गया है। और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि SPG से जुड़े जो तमाम लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। और इसी बीच जो है यहां पर अधिकारियों का दल भी अब से कुछ देर पहले पहुंचा था, जिन्होंने यहां की व्यवस्थाओं का, सुरक्षा संबंधी जो तैयारियां की गई है उसका जायज़ा लिया था। और ये देख सकते हैं, और हम गुरुजी से भी चर्चा करेंगे। गुरुजी, रमन गुरुजी हमारे साथ मौजूद है। गुरुजी, जब PM यहाँ आएंगे तो क्या पूरा अनुष्ठान यहाँ होगा, क्या पूजन करवाई जाएगी? अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम आना है PMO से, लेकिन हमारी ये इच्छा है कि रुद्राभिषेक करें भगवान का, महाकाल को वस्त्र चढ़ाए, महाकाल को चंदन चढ़ाए, महाकाल को अक्षत चढ़ाए, महाकाल को समस्त प्रार्थना करें ताकि राष्ट्र में शक्ति मिले, भारत की शक्ति मिले और भारत सिर मोर रहे। इसलिए भगवान महाकाल के दरबार में आकर मोदी जी भगवान की सब कुछ इच्छाएं पूरी करें, भगवान महाकाल उनका, और यहाँ 1600 प्रचार पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें और राजोपचार पूजन करें, क्योंकि वो देश का सबसे बड़ा ईमानदार आदमी है, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से वो सबसे बड़ा शक्तिशाली आदमी है। गुरु जी, वैसे हम लोग देखें जब महाकाल लोक का लोकार्पण होगा तो उसके बाद में कितना एक जो प्रसिद्धि मंदिर की कीर्ति वैसे तो बहुत अधिक फैली हुई है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, अतिशयोक्ति होगा, लेकिन उसके बाद कितना फर्क पड़ा? महाकाल लोक, आकाश लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक और मृत्यु लोक में महाकाल लोक, महाकाल लोक जब से बना है तब से बहुत प्रचलित हो गया है। पहले जो 50,000 जनता आती थी अब 1.5 लाख हो गई है, और आने वाले समय में ये अभी तो 25% बना हुआ है, ये 100% बाकी है। भी 100% में कम से कम 5 लाख आदमी रोज आना चाहिए, 4.5-5 लाख। गुरु जी, एक बड़ा सवाल है कि उस दिन क्या श्रृंगार बाबा का किया जाएगा लोकार्पण दिवस के दिन संध्या का? भगवान का मुखारविंद, भगवान महाकालेश्वर को विशेष श्रृंगार किया जाएगा, और त्रिपुंडधारी हो गए भगवान और त्रिनेत्रधारी होंगे, भगवान को विशेष मालाएं अर्पण की जाएगी, वो भगवान को विशेष वस्त्र जो भगवान महाकालेश्वर के सबसे प्रिय हैं उन वस्त्रों का धारण किया जाएगा, जिसमें मोदी जी भगवान का प्रार्थना करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है, आगे भगवान महाकालेश्वर की जो इच्छा होगी वो कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बातचीत के लिए। तो तस्वीरें एक बार आप फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ गुरुजी ने बड़ी ज़रूरी जानकारियाँ दी हैं कि किस तरह से श्रृंगार किया जाएगा 11 तारीख को। उसके साथ साथ क्या अभी मिनट टू मिनट, हालांकि कार्यक्रम आया नहीं है, लेकिन रुद्राभिषेक की तैयारियां हैं, वैदिक मंत्रों के माध्यम से रुद्राभिषेक किया जा सकता है, षोड़ोपचार पूजन किया जा सकता है, पंचामृत के माध्यम से जो पूजन किया जाता है, पंचोपचार जिसे कहा जाता है, वो भी यहाँ पर पूजन मंत्रों के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि बाबा महाकाल की महिमा न्यारी है।
और ये जो प्राकृतिक स्वरूप में बाबा अपने दिव्य स्वरूप में भक्तों को दर्शन कर निहार करते हैं, वो स्वरूप के आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि तैयारियाँ जो है बड़े स्तर पर यहाँ जारी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और देखिए आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, बुजुर्ग श्रद्धालु भी आप देख सकते हैं कि भाई साहब एक छोटी सी बात भी, आपसे कहाँ से आए हैं आप? जी मैं आया हूँ नरसिंहपुर जिले से। नरसिंहपुर लेकर आया? बिल्कुल। कैसे दर्शन अच्छे हुए? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून से। दादाजी दर्शन अच्छे हुए? अच्छे भाग। आपने भगवान का आशीर्वाद लिया और अब युवा पीढ़ी को क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? नरसिंहपुर से आए, अच्छे दर्शन हुए आपके? अच्छे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप नरसिंहपुर से यहाँ पर दादाजी आए हुए हैं, उन्होंने बड़े ही सुलभ और सहज तरीके से दर्शन किए, और जो तमाम आप देखिए व्यवस्था में महिलाएं और पुरुष लगे हुए हैं, वो सभी लोग इत्मीनान से दर्शन कर सके, भगवान की झलक पा सके, उसके पूरे प्रयास करते हैं। क्योंकि तमाम लोग यहाँ भाव के साथ आते हैं, अपनी आस्था और विश्वास को लेकर आते हैं, उन्हें असुविधा ना हो इसका भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जाता है। तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ जुट रही है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी का भी दिन है, तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए हैं और भगवान भोलेनाथ सभी की सुनते हैं। तो ये भीड़ बता रही है कि कितने जो करोड़ों भक्त हैं शिव भक्त, उनकी आस्था का कितना बड़ा एक केंद्र बाबा महाकाल का ये दिव्य धाम है। जो जानकारी निकल कर आ रही है उस मुताबिक मंगलवार को कार्यक्रम के दौरान अलग अलग तरह के पुष्पों से बाबा का पूरा मंदिर परिसर श्रृंगारित किया जाएगा, बाबा का उस दिन विशेष श्रृंगार भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर लगभग तैयारियां अपने अंतिम चरणों में हैं, और इसके साथ ही अब इंतज़ार है महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर का, जिसका पूरे मध्य प्रदेश वासी और खास तौर पर शिव भक्त इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मेरे सहयोगी मनोज कुशवाहा, सिराज अहमद और मुझे यानी अभिषेक मिश्रा को इजाज़त दीजिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला भी जारी है। नमस्कार।